अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं फुटवेयर बिजनेस के लिए एक बेहतरीन बिलिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपका शूज़ का काम है, फुटवेयर का काम है, चप्पल वगैरह आप सेल करते हैं, बूट्स वगैरह इसी आप चीज़ें सेल करते हैं, तो आप अपना स्टॉक तो मैनेज करना चाह रहे हैं, क्या स्टॉक में रखा हुआ है, किस कलर में क्या स्टॉक रखा हुआ है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है, और डे एंड वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं कि गले में कितना कैश रखा हुआ है, सब कुछ आप मैनेज करना चाह रहे हैं, सिस्टम को कंप्यूटराइज करना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए मौजूद है, मुकम्मल अकाउंट सिस्टम से मौजूद है। अच्छा, ये ऑफलाइन भी चलता है, और आपको अगर क्लाउड बेस्ड चाहिए ऑनलाइन तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं और हर यूज़र को अपने हिसाब से परमिशन वगैरह आप अलाउ कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें लॉगिन करते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड 1 है। जैसे हम लॉगिन कर लेंगे, हमारे पास एक डैशबोर्ड आ चुका है। सबसे पहले देखते हैं हम आइटम किस तरह ऐड करेंगे, प्रोडक्ट किस तरह ऐड करेंगे। प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया, कैटेगरी है, यहाँ पे बारकोड ऑप्शन है। इसको देखिए, एक आइटम आपके सामने ऐड करते हैं। देखिए आप कैटेगरीज हमने बनाई है, जॉगर्स या चप्पल या एटीसी है। आप मर्जी से आप कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको कैटेगरी चाहिए आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ जो भी अपनी मर्जी से आप बनाना हो, फर्ज करें आपने लेडीज़ चप्पल एक कैटेगरी बनानी है, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। पेशावरी चप्पल एटीसी आप कैटेगरी बना लेंगे। अच्छा, हम आप यहाँ पर एक सेव करते हैं, चप्पल सेव करते हैं, ठीक। अच्छा, बारकोड देखें, अब किसी शूज़ पर बारकोड होता है, किसी पर नहीं होता, ठीक है। जिस पे है उसको आप स्कैन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर बारकोड नहीं है तो उसका आप ऑटो जनरेट बारकोड पर क्लिक करेंगे, सिस्टम आपके लिए बारकोड बना देगा, उसको बाद में आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आइटम का नेम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल लिख देंगे कि आर्टिकल हम आप सेव कर रहे हैं, फर्ज करें यहाँ पर कार्जा का हम सेव कर रहे हैं, CZ, ठीक है, CF01, और इसका जो कलर है BLK ब्लैक, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चर चूज़ कर लेंगे, किस कंपनी का ये, देखिए मैंने बताया इसके कालजा का है, ये ऐड कर लिया। इसका जो सप्लायर कौन है, कौन किस कौन माल हमें सप्लाई करते हैं, वो हमने चूज़ कर लिया। पैकिंग इसकी क्या है, पैकिंग इसकी एक ही है। अच्छा, कॉस्ट कितनी आ रही है, हमें ये कितने का पड़ता है कॉस्ट, कोर्स इसकी हम लिखते हैं, हमारे 1500 रुपये का हमें आता है, और हम सेल करते हैं जी इसको 2000 रुपये का, ठीक है जी। अच्छा, स्टॉक कितना रखा हुआ है हमारे पास इसका, वो 10 पीस कर देते हैं हम, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इसकी अलर्ट क्वांटिटी है कि कितना स्टॉक रहा है, सिस्टम आपको अलर्ट शो करे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, होलसेल प्राइस आप मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ऑफर लगा सकते हैं इस पर, और डिस्काउंट मैक्स डिस्काउंट देना वो कितना देना है, रैक लोकेशन किस रैक में रखा हुआ है, फर्ज करें ये रखा हुआ है जी रैक नंबर 10 में, तो ये मैं आपको बता दूंगा, इसको सेव कर दूंगा, ठीक है जी। तो इसी तरह आप ऑटम वगैरह सेव करते जाएंगे, फर्ज करें अगर हम एक और यहाँ पर एक जॉगर सेव करते हैं सर्विस का। अच्छा, बारकोड अगर है तो देखिए, अगर बारकोड है तो मैं यहाँ पर स्कैन कर दूंगा, मेरे पास बारकोड आ जाएगा, नहीं है तो मैं ऑटो जनरेट कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर एक आइटम ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है जी, सर्विस का, यहाँ पर देखें इसका आर्टिकल लिख देते हैं, CH ZE 0010, और इसका कलर कर देते हैं जी ब्राउन BRN, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हम ज़रा कैपिटल कर देते हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके मैनुफैक्चर आप चूज़ कर लेंगे, और इसके लिए इसका मैनुफैक्चर अगर ठीक है, अगर मैनुफैक्चर आपके पास देखें आपने बना लेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक मैनुफैक्चर बना लेते हैं, ठीक है, सर्विस, इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियोज हमने बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह हमने इसका सप्लायर चूज़ कर लेंगे, सप्लायर फर्ज के रफीक ट्रेडर है, और यहाँ पर हम इसका कॉस्ट बता देंगे, कॉस्ट कितनी है, फर्ज के कॉस्ट की 3000 रुपये, सेल हम करेंगे इसको 5000 रुपये का, 5200 रुपये का, और स्टॉक हम जीरो कर देते हैं, हम इसकी परचेजिंग ऐड करेंगे, आपको चेक भी कर देंगे परचेजिंग ऐड करेंगे, स्टॉक प्राइस से प्लस होता है, ठीक है जी, इसलिए हम इसको जीरो कर देते हैं, सेव कर दिया। अच्छा, लिस्ट में देखें आप, सब जो भी आइटम आप सेव करेंगे वो लिस्ट में यहाँ पर आ जाएंगे, किसी भी आइटम को एडिट कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं, किसी भी आइटम का बारकोड निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने उसका बारकोड निकालने हो, जिस पर बारकोड नहीं है, तो फाइल पर क्लिक करें, स्टॉक पर आएँ, प्रिंट स्टॉक बारकोड लेबल्स आएँ, आइटम चूज़ करें किन किन के आपने बारकोड निकालते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल चूज़ कर लें, फर्ज करें ये आर्टिकल मेरे पास इसका बारकोड नहीं है, अगर मैंने इसके कितने स्टिकर निकालने हैं ये मैं बता दूंगा सिस्टम को, कि मैं कितने इसके स्टिकर निकालना चाह रहा हूँ, फर्ज करें मेरे पास इसके 10 मौजूदा 10 कॉपीज निकाल रहा हूँ, फर्ज कर लें, और मैं इस पर प्रिंट पर क्लिक कर दूँगा, प्रिंट पर मैं चूज़ करूँगा मैंने कुछ साइज़ में निकालने हैं, ठीक है, वो साइज़ चूज़ कर लूँगा, और मेरे जो जैसे इस तरह स्टिकर निकल आएंगे ये देखिएगा, इसको मैं प्रिंट कर लूँगा और आइटम पर लगा दूँगा, और जब इसको मैं स्कैन करूँगा तो मेरा आइटम स्कैन हो जाएगा, ठीक है जी, बारकोड के ज़रिए। चलते हैं जी, हम किस तरह से परचेजिंग ऐड करेंगे, परचेज पे क्लिक कर दिया। अच्छा, वेंडर इनवॉइस नंबर लिख देंगे कि जिससे माल ले रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर लिख दें, ठीक है। उसके बाद वेंडर चूज़ करने, किससे सामान ले रहे हैं, फर्ज करें हम ले रहे हैं फेक ट्रेडर से ले रहे हैं।
एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा परचेज टाइप देख लें, आप उधार ले रहे हैं या आप कैश पे ले रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप आइटम नेम आ जाए, आइटम नेम में आप आर्टिकल लिखते हो जी, मैं परचेज कर रहा हूँ जी, ये वाला CHZD, ठीक है। ये आर्टिकल है हमारे पास सर्विस का, जोगर्स है। तो किस रेट पे परचेज कर रहा हूँ, मैं रेट चेंज कर सकता हूँ। मैं कि सेल सेल रेट चेंज हुआ, सेल रेट चेंज कर सकता हूँ। कितने परचेज कर रहा हूँ मैं आर्टिकल, फर्ज में 10 परचेज करूँ, बोनस कितना है, डिस्काउंट कितना है, टैक्स वगैरह सब कुछ लगा सकता हूँ इस पर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वेंडर को हमने अमाउंट पे करनी है, कितने पे कर रहे हैं वो बता सकते हैं। फर्ज करें हम इसको 3,000 पे कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको आप सेव कर देंगे, जैसे सेव करेंगे हमारे सिस्टम ने हमारे लिए एक परचेज स्लिप बना दी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये देखें इसको हम सेव कर सकते हैं। तो हम ज़रा स्पोर्ट स्टॉक रिपोर्ट चेक कर लें कि रिपोर्ट में जाते हैं हम, स्टॉक रिपोर्ट और स्टॉक समरी रिपोर्ट आ गई हमारे पास। और हम देखें हमारे पास क्या, देखें हमारे पास काजा का ये स्टॉक अवेलेबल है, उसको मैं ज़रा, और हमारे पास सर्विस का ये स्टॉक अवेलेबल है, सर्विस का ये आर्टिकल अवेलेबल। देखिएगा हमारे पास पहले 0 था, अब 10 हो गए हैं, 10 पीस हो गए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी ये ट्रेड प्राइस है, ट्रेड वैल्यू क्या है, कितना प्रॉफिट में हो सकता है, सिस्टम हमें बता रहा है। मैन्युफैक्चर वाइज भी है और एडवांस रिपोर्ट भी इसमें मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ पर आप जाकर आप जाते हैं स्टॉक एडवांस, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं स्टॉक के, आप देखें स्टॉक लो लेवल रिपोर्ट है, क्रिटिकल स्टॉक रिपोर्ट है, किसी एक मैनुफैक्चर की मैंने देखनी है। फर्ज करें मैं सिर्फ सर्विस का आइटम देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ सर्विस की, तो मैं सर्विस पर चेक कर दूँगा और मैं सबमिट कर दूँगा। तो ये मैं सिर्फ सर्विस के मुझे बता रहा है। अगर मैं सिर्फ चप्पल्स कैटेगरी देखना चाह रहा हूँ, मैं वो देख सकता हूँ, ठीक है। तो मुख्तलिफ फिल्टर लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं जब हम सेल करें, कि सेल किस तरह करेंगे, सेल पे क्लिक कर देंगे, इसके लिए सेल टाइप चूज़ कर लेंगे, उधार पे सेल कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, ठीक है जी। कस्टमर चूज़ कर लेंगे, किस कस्टमर को आप चूज़ कर रहे हैं, ऐसा कस्टमर लाजमी नहीं है, अगर कस्टमर चूज़ करना कर सकते हैं। फर्ज करें ये अली करियाना है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल कौन सा सेल कर रहा हूँ जी। अच्छा एक और चीज़, आर्टिकल में देखें अगर मेरे पास इसका बारकोड लगा तो मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने एक बारकोड स्कैन किया, देखें जैसे स्कैन किया, मेरे पास स्कैन से स्कैन करूँगा, मेरे पास ये आर्टिकल आ गया, ठीक है जी, CZCF001 ब्लैक, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा मैंने इसको मैनुअली सेल करना हो, फर्ज करें मैंने मेरे पास आर्टिकल वगैरह सिर्फ नाम से सेल करना हो तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास ब्राउन ये सेल करना, अच्छा ये मैं सिर्फ फर्ज दो सेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। प्राइस में चेंज कर सकता हूँ किस रेट, अच्छा मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ कि मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर मैंने 10 रुपये डिस्काउंट देना है, मैं 10 कर दूंगा, ठीक है। तो ये 10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। अगर मैंने इसको परसेंट फर्ज करें 2% देना है तो 2% कर दूंगा, ठीक है जी, डिस्काउंट इसको अलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कस्टमर कितने पैसे पे कर रहा है आप लिख सकते हैं, कितने अमाउंट पे कर रहा है। फर्ज करें कस्टमर हमें 15,000 पे कर रहा है, तो हमने कस्टमर को 2,600 रुपये बकाया देना है, ठीक है जी। सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव कर दिया आपने। अच्छा जी, प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सिस्टम में रसीद बना। अच्छा जी देखिए A4 साइज भी मौजूद है, अगर आप ये फुल साइज देना चाह रहे हैं फुल साइज मौजूद है रसीद। और अगर आप चाहते हैं आप छोटी रसीद दें, थर्मल जो पर्ची होती है, तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। हम ये PO थर्मल चूज़ कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, हम आपको चेक करवा देते हैं। देखें सेल हिस्ट्री में आते हैं, व्यू करते हैं, और ये देखिएगा हमारे पास एक स्लिप, छोटी स्लिप भी हम दे सकते हैं, ठीक है। आपकी शॉप का नेम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, क्या आर्टिकल आपने सेल कर रहे हैं, देखें कितने सेल कर रहे हैं, किस रेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं, कस्टमर ने कितना पे किया, उसका बैलेंस वगैरह यहाँ पर मुकम्मल शो हो रहा है, ठीक है जी। किसी भी सेल को आप एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, और रीप्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा अगर हम इसकी रिपोर्ट देखना चाहें, कि सेल रिपोर्ट देखने हमें, सेल रिपोर्ट में आ जाएंगे, सेल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आ जाते हैं हम, या नेट रिपोर्ट करते हैं, तो ये हमारी देखें रिपोर्ट आ गई, ठीक है। ये क्या 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 आर्टिकल हमने अब सेल की, आज कितना हमें देखें, 12,400 रुपये की हमारी सेल हुई, प्रॉफिट हमें 4,900 रुपये का हुआ, ठीक है जी। ये प्रॉफिट ये देखें हर आइटम का प्रॉफिट शो कर रहा है आपको। उसके अलावा सेल के भी काफ़ी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, देखेंगे सेल रिपोर्ट विद कॉस्ट निकालना चाहें, ठीक है जी। देखें हमारे पास 1,500 का आर्टिकल था, 2,000 का सेल किया, 3,000 का आर्टिकल था, हमने 5,200 का सेल किया, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद इसमें परचेज रिपोर्ट भी हमारे पास चेक करवाया था, जो मैंने परचेजिंग की है आज, परचेज समरी रिपोर्ट आप आ जाते हैं, जनरेट रिपोर्ट करते हैं। देखें हमारे पास ये परचेज रिपोर्ट है कि हमने आज क्या माल परचेज़ किया इस वेंडर से, ये देखें यहाँ आ गया। अच्छा उसके बाद इसमें मुकम्मल देखें यूज़र मैनेजमेंट है, यूज़र बना सकते हैं आप और उनको परमिशन वगैरह आप अलाउ कर सकते हैं। ये देखिए यूज़र आ गए, रोल मैनेजमेंट आ गया, किसी भी यूज़र को परमिशन देनी है। फर्ज़ कर आप चाहते हैं कुछ सेल ना कर पाए, कुछ सेल हिस्ट्री ना देख पाए, या कुछ डिस्काउंट ना दे पाए, ठीक है, कुछ बिल को ऑडिट ना कर पाए, मुकम्मल आप परमिशन दे सकते हैं अपने यूज़र्स को, ठीक है जी। रिकवरी सिस्टम है, अगर उधार सिस्टम है, रिकवरी कस्टमर करवाने आता है वो सिस्टम है, सप्लायर है, SMS सिस्टम है, ठीक है, परचेजिंग है, प्रोडक्ट है, कोटेशन एस्टिमेट बिलिंग सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है जी।
और उसके बाद अगर आप अपने आइटम खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, तो आप वो भी इसमें मैनेज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बिल मटेरियल वगैरह बना सकते हैं। रिपोर्ट्स इसमें काफ़ी हैं, कस्टमर रिपोर्ट, अच्छा कस्टमर लेजर रिपोर्ट वगैरह भी इसमें मिल जाएगी आपको, मुकम्मल सप्लाई लेजर रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। फर्ज कर अगर कस्टमर लेजर रिपोर्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स में आता हूँ, अच्छा अकाउंट मैनेजमेंट है इसमें, मैं कोई आप चीज़ बता दूँ आपको, अकाउंट देखें, कैश रिसीव वाउचर है, कैश पेमेंट वाउचर ATC, ये आप बना सकते हैं, पार्टी चूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ देखिए, अगर मैं इसकी रिपोर्ट्स पे आता हूँ, अकाउंट रिपोर्ट लेजर रिपोर्ट पे आता हूँ, मैंने कस्टमर का लेजर देखना है, किस कस्टमर का देखना है, अली गरियाना का चेक कर लेता हूँ आज का लेजर, ये इसका लेजर आ गया जी आज का, ठीक है, सेल थ्रू इनवॉइस नंबर 1 की मैंने सेल की इसको, डेबिट इसका 12,400 हुआ और क्रेडिट इसका 0 हुआ, और बैलेंस इसका 275 है जो उसने अभी हमें देना था, ये पहले का इसका खाता है, ठीक है, जो बना हुआ है। तो इस तरह आप मुकम्मल आप बैलेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हर किस्म की आपको मिल जाएगी। अच्छा उसके बाद इसमें डे बुक मौजूद है आपके पास, ठीक है, अगर आप डे क्लोज करते हैं, डे एंड करते हैं, शिफ्ट मैनेजमेंट मौजूद है, डे एंड कर पे जाते हैं, ओपनिंग कैश कितना हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास ओपनिंग कैश अभी 0 कर देता हूँ, डे ओपन हो गया हमारा। अच्छा इसमें मुकम्मल डे मैनेजमेंट है, कितना कैश इन हुआ, कितना आउट हुआ, ठीक है, तो वो मुकम्मल आप चीज़ें इसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं न्यू डे स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा ये हमारे पास डे ओपन है, ये देखिएगा हमारे पास टोटल कैश कितना आया हमारे पास, 12,400, कितना कैश हमारे पास गया, 3,000 की परचेजिंग की थी, ठीक है, ये तो ये मुकम्मल बता रहा है। देखिए हमारे पास सेल कितनी हुई है, रिकवरी कितनी आई है, परचेजिंग कितनी हुई है, एक्सपेंस कितने हुए हैं, अकाउंट कितने मैंने पेमेंट की है, सैलरी कितनी पेमेंट की है, और यहाँ पर देखें कितना आपके पास कैश मौजूद है गले में, और आप इसका डे क्लोज कर देंगे तो मुकम्मल आप ओपनिंग कैश के क्लोजिंग कैश मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, डे एंड वगैरह डे बुक है मुकम्मल आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये और काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, अब इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियो हमें बनाई हुई है, बैकअप सिस्टम मौजूद है इस पर, अपडेट सिस्टम मौजूद है, हम आपको फ्री अपडेट्स देते हैं, जो भी सिस्टम में नया फीचर आता है हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आया है तो आपको नंबर शो रहा होगा, इस नंबर पर आप रब्ता करें, आज ही अपने सिस्टम का कंप्यूटराइज करवाएं, ठीक है जी, और मुनासिब रेट है, वन टाइम पेमेंट है, और आपको बैकअप सिस्टम इसमें मौजूद है मुकम्मल, इजी टू यूज़ है, आपने देखा होगा बहुत आसान है, आप इजी भी आपका जो लड़का है 8वीं पास 5वीं पास भी इसको चला इजीली चला पाएगा, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।